समकक्ष और अनुज और सभागार में बैठे सभी हृदय जी सम्मानित साथियों का बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल बिंदुवार बोलना चाहूंगा। सबसे पहले मैं साधुवाद और बाजा देता हूँ नंदीवादी भाई के तहसील अध्यक्ष श्री अनु शर्मा जी और उनकी टीम को। इसी के साथ फिर बधाई, जो बहुत अच्छा सफल और सुफल कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पुनीत गोयल जी, उनको बधाई। और एक और बधाई जो विशेष बधाइयों में शामिल है, वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान को काफी समय से लिख रहे हैं मेरे भाई विश्वास द्विवेदी जी, बहुत बहुत बधाई। साथियों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने लगभग सभी बिंदुओं पर विचार डाला, संक्षेप में कुछ सार युक्त वाणी को आगे बढ़ाया। देखिए, संगठन हो सकती है, जो कुछ साथियों ने भी आप लोगों को अवगत कराया और आपको भी मालूम है संगठन क्या सकती है। विक्रांत जी ने बताया अपनी व्यथा आपने अभी बता दी। कई लोग यहां बैठे हैं मौजूद, ये संगठन का ही मामला है। कोई भी यदि आपदा परेशानी या विपदा या समस्या हमारे किसी पत्रकार साथी के साथ आई है, एसोसिएशन जबरदस्त रूप से पूरे मनोयोग से हमारे उस सम्मानित साथी के साथ रही है। और एक और बात बता दूं आपसे, मैं सफलता हासिल की है यूनियन के झंडे के नीचे लोगों ने, लेकिन साथियों ये सब आपका है, परिवार आपका है, हम परिवार से जुड़े हुए हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं। किसी भानु प्रकाश वर्मा का या नरेश भास्कर जी का या डॉक्टर राहुल जी का आलम जी का ये यूनियन नहीं है, यूनियन आप सबकी है। हम भी सिपाही हैं, आप भी सिपाही हैं, बस ये व्यवस्था है एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्यों को अंजाम देने की। उस तरीके से आपके सहयोग से, निर्देश पर या आशीर्वाद से, प्यार से, दुलार से हम लोग काम कर रहे हैं। संजय जी ने बताया, बहुत बढ़िया बात रखी श्री शर्मा जी, अवनीश जी हरदौर से जो हमारे बिजनौर के तहसील प्रभारी हैं, डॉक्टर आलम जी तहसील अध्यक्ष, डॉक्टर आलम जी हमारे डॉक्टर राहुल चौधरी, डॉक्टर नरेश पाल जी, श्री नरेश भास्कर जी जो